नमस्कार, लीगली स्पीकिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। कुछ दिन पहले एक बहुत दुखद खबर आई। माखनलाल बिंद्रू, जो एक कश्मीरी पंडित थे, उनको गोली से उनकी हत्या कर दी गई। ये वाकया श्रीनगर का है और फिर से लोगों को याद आई 30 साल पहले की, 1989-1990 का टाइम था। कश्मीरी पंडितों को मार के घाटी से भगा दिया गया था, उनके घर लूटे गए थे, डराया गया था। वो सारी यादें वापस आ गई, बिकॉज एक तरीके से माखनलाल बिंद्रू को मारने के बाद आतंकी नहीं रुके। उन्होंने स्कूल टीचर दीपक चंद और सुपिंदर कौर, जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। सरकार और व्यवस्था के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो सबकी रखवाली करे, पर एक तरीके से जब आपको ये लगता है कि हम एक पुलिस है फिर भी बच नहीं पाएंगे, तब आदमी अपनी जमीन छोड़ के भागने लगता है। क्या वो डर घाटी में वापस आ रहा है, या कुछ अब सरकार इस तरह का एक्शन लेगी जिससे वापस कश्मीरी पंडितों को ये भरोसा आए कि हम घाटी में वापस आने की, क्योंकि ये तो उल्टी चीज हो जाएगी कि सरकार तो ये चाहती थी कि कश्मीर पंडित वापस कश्मीर में आए, ये तो जो बचे कुचे वो भी जाने लगेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कश्मीर के हमारे विशेषज्ञ सीनियर एडवोकेट अशोक भान साहब। भान साहब, आपका लीगली स्पीकिंग में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। ये जो 3 दुखद खबरें आई कि कश्मीरी पंडित 3 लोग हैं, एक जो बहुत कश्मीर की फेमस श्रद्धा बिंदू ने जो एक तरीके से जो कहा अपने पिताजी की मौत के बारे में, वो स्वयं एक डॉक्टर हैं, अगर किसी ने भी उनकी जो मीडिया को प्रतिक्रिया सुनी हुई होती, मुझे नहीं लगता किसी के आंख से आंसू ना निकलते। श्रद्धा बिंद्रू ने अपने पिता को खोया। आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए इसके खिलाफ? एक्शन तो जरूरी होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे 89 में या 90 में जब कश्मीरी पंडितों को सिलेक्टिव किलिंग करके, इतने क्लिनसिंग करके, डरा के, धमका के, मार मार के भगाया था, उस वक्त यही जाहिर हुआ कि इंडियन नेशन स्टेट हैज फेल्ड। आज की डेट में अगर कोई सख्ती से एक्शन नहीं लिया गया तो आज 2021 में ये तासुर कैसे दिया जा सकता है कि जब एक स्थिर सरकार भारत में है, जब गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में है, तो कैसे एक ये एक दिया जाए इम्प्रेशन नेशन स्टेट इज फेलिंग द कश्मीरीज एज ऑन डेट ऑल्सो। तो इसलिए सख्ती से सख्ती बरतना, टेररिस्टों के खिलाफ, टेररिस्टों के सपोर्टर्स के खिलाफ, ओवरग्राउंड जो इनके वर्कर्स हैं, जो ये सारा इंटेलिजेंस इनको प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी सख्ती से नेशन स्टेट और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को निपटना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि 1990 में जिन हालात, जिस परिस्थिति में कश्मीरी पंडित निकल आए, वो एक दहशत का माहौल था, और उस वक्त जो उन्होंने एक टैक्टिक्स अडॉप्ट किया था मिलिटेंटों ने और टेररिस्टों ने, वो यही किया था कि हमें यहाँ निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा बनाना है, इसलिए जो भी निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा के हक में नहीं होंगे उनको या तो निकलना है या मरना है। और उन्होंने उन शख्सियतों को भी मारा जो उनके उस लाइन के साथ नहीं थे, उसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स थे, उसमें काफ़ी लोग थे, मीरवाइज थे कश्मीर के, मुफक्किरी कश्मीर जो मौलाना मसूदी को कहा जाता था, इंटेलेक्चुअल ऑफ कश्मीर, मुफक्किर, उनको भी मारा गया, और काफ़ी
सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को मारा गया कश्मीरी पंडितों के साथ साथ, वो एक सिलेक्टिव किलिंग एक आइडियोलॉजिकल और फेथ के साथ उन्होंने किया था। और तब जो दहशत का माहौल था, उस माहौल में कश्मीर की सोसाइटी सारे उस ग्रुप में आ गए। आज की डेट में जब लोग जमहूरियत में पार्टिसिपेट करते हैं, जब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीस चाहते हैं, जब लोग डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, और जब लोग आजकल जो नई जनरेशन है वो भारत को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखती है, तो ये जो गिने चुने टेररिस्ट बचे हैं जम्मू कश्मीर में, ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो इनको भगा दिया। आई कॉल इट इट्स अ डाइंग मिलिटेंसी एंड टेररिज्म इन कश्मीर। अब इसको रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान ने जो इनको जिनके आगा हैं उन्होंने अगर इनको ये टास्क दिया है कि आप कुछ भी करके डाइंग मिलिटेंसी डाइंग टेररिज्म को रिवाइव करो, तो वो इन्होंने जो टैक्टिक्स चेंज करके सिलेक्टिव किलिंग की, ये बहुत ही सानिया है और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए। मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट का दायित्व इस टाइम ये है कि पहले जो डरे हुए माहौल में रह रहे हैं कश्मीर में, अक्लियत वाले तो ज़्यादा ही डरे हुए हैं, जो अक्सरियत के लोग भी डर के माहौल में इस वक्त मुब्तला हुए हैं, गिरफ्त हुए हैं, तो उनके लिए सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करे किसी भी मैकेनिज्म से, अपील से, मिलने से, सिविल सोसाइटी को बुला के। और कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने ज़बरदस्त कंडेमनेशन इस सिलेक्टिव किलिंग की है। ये एक सिल्वर लाइन है, ये 90 में मुहैया नहीं था, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी सामने नहीं आ सकता था। आज की डेट में अगर पॉलिटिकल लोग, सिविल सोसाइटी के लीडर जो सामने आके ये कहते हैं कि ये हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कश्मीरियत का कत्ल है, ये कश्मीर की सिविलाइजेशन का कत्ल है, तो ये एक सिल्वर लाइन है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि ये जो डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसको कैसे अरेस्ट करें और उसको कैसे लोगों में फिर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। ये मेरा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 एब्रोगेट किया, एब्रोगेशन का फॉलो अप दो सतह पे हुआ। एक तो ये हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंसी पे जीरो टॉलरेंस करके बहुत सारे आतंकवादियों को, बहुत सारे टेररिस्टों को मारा, और बहुत सारे इनके जो टेरर मॉड्यूल्स थे आइडियोलॉजिकल और ऑपरेशनल, उनको ख़त्म किया। आइडियोलॉजिकल मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों ने टेररिस्ट की फिलॉसफी के साथ अपने आप को वाबस्ता किया ही नहीं। अगर किया होता तब जमहूरी तौर पे इलेक्शन नहीं होते डीडीसी के, पंचायत के, ग्रास रूट लेवल के। वो ऐसे लगता है कि लोगों ने टेररिज्म को एज मींस ऑफ एनी फॉर्म उसको रिजेक्ट किया है। वो चाहते हैं कि जो भी हमारी लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं, इश्यूज हैं, वो हम डेमोक्रेसी के जरिए ही हल कर सकते हैं। और पीपल्स लेवल पे तो ये रिस्पांस है, ऑपरेशनल लेवल पे रिस्पांस ये है कि ना ये इंडियन आर्मी को कुछ कर सकते हैं, ना सिक्योरिटी ग्रिड इतना मजबूत है वहाँ कि इनके सारे जितने मॉड्यूल्स थे वो तहस नहस हो गए। और जो बचे हुए हैं, जो डाइंग
टेररिज्म को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान रीइंफोर्स कर रहा है बाय इन्फिल्ट्रेशन, या पाकिस्तान रीइंफोर्स कर रहा है बाय अदर रिसोर्सेज, और पाकिस्तान आजकल तालिबान भी मार्केटिंग करता है कश्मीर में और चीन भी मार्केटिंग करता है, मगर कश्मीरी एक ऐसी कौम है जो न चीन को मानेगी, न तालिबान को मानेगी, न पाकिस्तान को मानेगी। कश्मीरी कौम ने पाकिस्तान को 47 से मुसलसल मींस कंटिन्यूसली रिजेक्ट किया है और आज की डेट में भी रिजेक्ट करते हैं। और तालिबान और चीन की तो बात ही नहीं है, एक आध बहुत ही छोटा 10-15 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ये सोचते होंगे, ख्वाब देखते होंगे कि शायद चीन हमें लिबरेट करे या अफगानी ये जो तालिबान है वो हमें लिबरेट करे, वो तो मुमकिन है नहीं। इंटेलिजेंट कौम जो है कश्मीर की, पढ़ी लिखी कौम, यूथ पर्टिकुलरली, वो ये समझती है कि इंडियन नेशन स्टेट हैज़ कम टू स्टे इन कश्मीर, इसको कोई नहीं यहाँ से निकाल सकता या खड़े सकता है। अब इसको कंसोलिडेट करने के लिए, टू कंसोलिडेट द आइडिया ऑफ इंडिया इन कश्मीर, जो गवर्नमेंट को चाहिए था 370 एब्रोगेट करके एक फॉलो अप थ्रस्ट डेवलपमेंट का और कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का, अगर कश्मीरी पंडित आज अच्छी तादाद में कश्मीर में होते तो शायद वो विक्टिम नहीं बनते टेररिज्म। आपने एक अच्छी बात कही, कश्मीरी पंडित अगर अच्छी तादाद में होते तो विक्टिम नहीं बनते। एक छोटा अल्पविराम लेंगे और ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। ब्रेक के पहले आपने देखा कि सीनियर एडवोकेट अशोक भान साहब ने कहा कि अच्छी तादाद में अगर कश्मीरी पंडित होते कश्मीर में तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता कि फिर से कश्मीरी पंडितों को मारा जाने लगा, या 2-3 घटनाएं हुई है। मुझे एक तरीके से लग रहा है कि अब सरकार कुछ कड़े कदम इस पर उठाएगी, बट ये आगे हम जानेंगे। भान साहब, आपको क्या लगता है ये किस तरह हो पाएगा कि कश्मीरी पंडित ज्यादा तादाद में कश्मीर में आके फिर बसेंगे? देखिए, 370 तो अब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये एब्रोगेट हो गए और कश्मीर अब इंटेग्रेट हो गया, कश्मीर इज इंडिया, ये एक्सेप्टेंस लोगों में है। अब एक चैलेंज रहता है सरकार के लिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो ये रहता है कि हाउ, कैसे आप कश्मीरी पंडितों का रिटर्न, रिहैबिलिटेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर सकते हैं। उसमें दो राय हैं। गवर्नमेंट ने एक राय ये दी कि अनकरीब ही वो लोग अपने अपने जगह पे बसेंगे, वो शायद आज के माहौल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपने अपने जगह पे हमारे पास कोई जायदाद, कोई मकान, कोई रहने की जगह है ही नहीं। डिस्ट्रेस सेल्स हुई हैं, कुछ ज़बरदस्ती कब्जा हुआ है, कुछ आर्चर्ड्स जो थे वो ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, मंदिरों के साथ जो ज़मीनें थी, एंडाउमेंट प्रॉपर्टीज, उनको भी ज़बरदस्ती जारहाना कब्जा करके लोगों ने लूटा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। इस 2 साल में इस तरह कोई प्रयास ही नहीं हुआ। अगर आप 2000 फैमिलीज को रखते हैं कश्मीर में और शोकेस करते हैं कि कश्मीर में सेकुलरिज्म है और कश्मीरी पंडित रहते हैं, तो वो बेचारे सिटिंग डक्स होंगे, वो गिनी ये बैग्स होंगे, क्योंकि वो बेचारे मर जाएंगे। आतंकवादियों का पावर ऑफ स्ट्राइक है एट विल, और हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर एक जगह पे आइडेंटिफाई करके एक जगह पे एक कंपोजिट बनाया जाए, जैसे सिटीज बनती हैं, मॉडर्न सिटीज, तो 2-3 जगह पे, 2-3 डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, जैसे बारामूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग है, इन 3 जिला हेडक्वार्टर्स पे अगर कंपोजिट हैबिटेशन का एक
मॉडर्न जिसको ये स्मार्ट सिटीज कहते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, क्योंकि इस मामले को डिफीट करने के लिए है कि जितना भी मैक्सिमम तादाद में कश्मीरी पंडित वापस जाके रहे वहाँ, तो मिलिटेंट और टेररिस्ट भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई ये लार्जर पॉपुलेशन है। किसी किसी सिलेक्टिव जगह पे, जैसे इन्होंने कल ईदगाह के स्कूल में किया, किसी जगह पे जाके आइडेंटिफाई करना लोगों को कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, फिर उनको पॉइंट ब्लैंक पिस्टल से मारना, इससे सानिया कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे कोई, इसके बाद कोई रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस जब तक ना अलग से कहीं स्मार्ट सिटीज में कंपोजिट में कहता हूँ कि जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है पास्ट में, सिख कम्युनिटी है और भी मुसलमानों में है, एक्स सर्विसमैन है, ये एक कंपोजिट कॉलोनीज में रह सकते हैं और उस कॉलोनी को एज ए प्रोटेक्टेड कॉलोनी कहा जा सकता है। और हाँ टेररिस्ट कभी नहीं डेयर करेगा, वो कभी जुरत नहीं करेगा वहाँ नज़दीक में आने का। और जब काम पे जाना है, आजकल वर्चुअल जमाना है, आजकल स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो बच्चे काम करते हैं, वो अपना जो है अपना सिक्योरिटी मैकेनिज्म खुद बनाएंगे। और लोगों में उत्साह है, लोगों में भाईचारे का जज्बा है, ये नहीं है कि हेट्रेड ग्राउंड लेवल पे है। हेट्रेड एक क्लास की है, जो क्लास एक वेस्टेड इंटरेस्ट, हेट्रेड उन लोगों की है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की जमीनें, जायदाद, प्रॉपर्टीज, नौकरियां खाई हुई और जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके रिलीजियस एंडाउमेंट प्रॉपर्टीज को ग्रैब किया हुआ, ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्लास है जो मिलिटेंट के साथ हैंड इन ग्लव्स हो सकता है कि भाई इनको यहाँ आने नहीं देना। इसलिए सरकार का दायित्व है कि इस वेस्टेड इंटरेस्ट नेक्सस को पहले ब्रेक करे, उनको थोड़ा सा हार्ड फेस दिखाए इंडियन स्टेट का, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और उसके साथ साथ ही अगर रिहैबिलिटेशन और रिटर्न का फैसला किया, क्योंकि आज की डेट में हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप सिटिंग डक बना के कश्मीरी पंडितों को वहाँ रिहैबिलिटेट करें, मेरे को आपसे ये हो नहीं पूछना है सकते। कि कोई स्टेट हार्ड डिसीजन में क्या ये दो डिसीजन ले सकता है कि एक तो जवाबी कार्रवाई अभी हो और दूसरी ये बात है जैसे आपने कहा कि एक सर्विसमैन और इस तरह के लोगों को लाखों की तादाद में अगर आने वाले सालों में बसाया जाए तो तब चीजें बदलेंगी आपके साथ। बिल्कुल बदल सकती है, क्यों नहीं बदल सकती। इसमें कोई, वहां लोकल पॉपुलेशन जो है, जो इनका खदशा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज होगी, बाहर से लोग आए, हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि जो कश्मीर के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं, वही लोग इन कॉलोनियों में बसे, वही लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहे। 7 लाख लोग तो कश्मीरी पंडित ही हैं जो फैले हुए हैं वर्ल्ड ओवर, और जो लेकिन आज की डेट में वापस जरूर जाना चाहते हैं, जायदाद बनाना चाहते हैं, वो तो कुछ दे के ही जाएंगे, आएंगे कश्मीर में। हाँ, बट अगर होटल आए, इंडस्ट्री आए, बाहर के लोग आए, तब तो बसना। तो काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है, एक थॉट प्रोसेस में भी परिवर्तन होगा जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। और जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट का ग्रुप है, अगर इसको स्मैश किया जाए, ये आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मैश करना होगा, ये एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि इनका लिंकेज टेररिस्टों के साथ ही होगा, वो तो लाजमी बात है। टेररिस्ट आपको लगता में है सरकार में इतनी व्यवस्था में इतनी ताकत है एक तरीके से, यानी जो जो उनके पास साजो सामान है, बाकी चीजें हैं, इतने काफी है ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के बिल्कुल पास? बिल्कुल है, आज की डेट में है, क्योंकि स्थिर सरकार है। 89-90 में इसलिए हुआ क्योंकि कोलिशन सरकार थी, उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी, कोई स्थिर, यहाँ इंस्टेबिलिटी थी देश में, कोई सरकार टिकती नहीं थी। आज की डेट में 8 साल से एक स्थिर सरकार है,
एक अच्छी सरकार है। सो इनको सिर्फ ये तो माइंडसेट की बात है, इनको तो एक पॉलिसी डिसीशन लेना है, एक डॉक्ट्रिन बनानी है। अगर डॉक्ट्रिन नहीं बनाते हैं, अगर इन्होंने 370 पार्लियामेंट में जाके जिस भी अंदाज में किया वो कर सकते हैं, अगर इन्होंने राम मंदिर बनाने का प्रयास किया, दैट मीन्स दिस गवर्नमेंट हैज अ विल टू डू समथिंग। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और कश्मीरी पंडितों के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने अपनी विल को डेमोन्स्ट्रेट करना है। रिसोर्स तो बहुत है देश के पास और कंट्री के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, ये कितना खर्चा है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आई के गुजराल ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा ही एक वाक्य हुआ और वो वहाँ मिलने गए लोगों दुखद परिवार के साथ, उन्होंने सहानुभूति करते हुए ये उस वक्त बयान दिया कि अगर इस इलस्ट्रियस कम्युनिटी को बसाने के लिए कश्मीर में हिंदुस्तान का खजाना खाली हो जाए वो भी कम प्राइस है, क्योंकि कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाके एक सेक्युलर इंडिया की आबियारी करेगा। आइडिया ऑफ इंडिया जो सेक्युलर इंडिया है वो तो उसके नुमाइंदे बनेंगे, और वो थे भी नुमाइंदे, इसीलिए तो मारे जाते। क्या कसूर था इस प्रिंसिपल का और इस टीचर का? अगर आपने देखा होगा, मिलिटेंटों ने यही टेररिस्टों ने एक्सप्लेनेशन दी कि इन्होंने तिरंगा झंडा फैलाया स्कूल में। अरे अगर इन्होंने तिरंगा झंडा फैलाया, 10 लोग तो इनके साथ मुसलमान थे, उनको कैसे आपने स्पेयर किया? आप तो दीद दानिश्ता कॉन्शियसली ये डिवाइड करना चाहते हैं। आप सिलेक्टिव किलिंग सिर्फ हिंदू का करना चाहते हैं, ये नहीं कि आप जिहाद का कॉन्सेप्ट कहाँ है कश्मीर में, वो तो खत्म हो चुका है, पहले था थोड़ा बहुत, मगर वहाँ तरुण जी मैं बताऊं, वहाँ थोड़ा सा हेट इंडिया माहौल है। उस माहौल को आस्ता 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 उसके ही विक्टिम हम लोग बनते हैं, माइनॉरिटीज हिंदू, कि वो इंडिया को एट्रिब्यूट हमसे करते हैं कि ये लोग हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन आपने एक ये अच्छी, आपने एक अच्छी बात कही, अगर सरकार ये ठान ले कि हमको 10-15-20 लाख लोगों को वहां बसाना है, बहुत सारे लोग व्यवसाय बिजनेस के लिए भी जाना चाहते होंगे कश्मीर, टूरिज्म की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत है, बहुत है। और बाहर से पैसा आना तो स्टेट के लिए अच्छी बात होती है, हर स्टेट में बाहर वाले लोग रहते हैं, कश्मीर में बहुत सारे यूपी और बिहार से लोग रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में, तो लाखों की तादाद में काफी स्टेट से कश्मीर में भी लोग रह सकते हैं और इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। ये होगा जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा तादाद में आए उस स्टेट में, टूरिज्म एक बहुत अच्छा एरिया है, बाकी इंडस्ट्री भी हो सकती है, तो आपको लगता है ये अगर फोकस हो जाएगा तो लोग भी रहेंगे और बिजनेस भी आएगा। बिल्कुल, और तैमूर तरक्की के साथ ही देखिए, जब तरक्की हो, जब दो वक्त का खाना हो, बिजनेस फूले फले, यूथ को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिले, बाहर जाके हिंदुस्तान उनको लगता है भारत, ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। 130 करोड़ का मुल्क, कितनी आबादी है, चलो हम 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ भी अगर रखें कश्मीर का, वो तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ में जज्ब हो सकता है, और वो अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, यूथ अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं। स्कीम्स ऐसी हैं कि कश्मीर के यूथ बाहर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, तालीम हासिल करके जाते हैं, दे शुड बी द एम्बेसडर्स ऑफ पीस एंड इंडिया इन कश्मीर, उसको नर्चर करना है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नर साहब काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करते हैं, मगर जो एक सोशल लेवल पे एक सोशल इंजीनियरिंग करके, सोशल एंगेजमेंट्स करके लोगों के साथ डायलॉग करने का कोई प्रोसेस है नहीं वहाँ, सिविल सोसाइटी के साथ कोई डायलॉग नहीं। कल भी मैंने सजेस्ट किया था कि एलजी को चाहिए सिविल सोसाइटी के साथ इमिडिएटली डायलॉग करके एक मुश्तरका अपील शाया करे कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग है या इनोसेंट किलिंग है ऑफ सिटीजन्स, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर पॉलिटिकल लोग बयान देते हैं उनके घर जाके, एक कलेक्टिव बयान सबसे दिलवाए। इवन आई वुड सजेस्ट कि ऑल पार्टी मीटिंग भी गवर्नर कर सकता है। पता नहीं उनका मैंडेट है कि नहीं है पॉलिटिकल रीच आउट करना, सोशल रीच आउट करना, या उनका मैंडेट सिर्फ डेवलपमेंट करना है। ये कश्मीर ऐसी स्टेट है, उसमें गवर्नर को काफी छूट होनी चाहिए। ही शुड इंटरैक्ट वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो काफी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनके साथ जाके उनसे अपील करवाएं लोगों को, नौजवानों को। मान साहब आपने काफी अच्छी बातें हमारे साथ साझा किया, जिस चर्चा को हम आगे के कुछ एपिसोड्स में भी जारी रखना चाहेंगे। हम देखेंगे अभी सरकार और सुरक्षा तंत्र एक तरीके से क्या एक्शन लेता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब तक तो कुछ बड़ा कदम नहीं लिया जाता, बाहर के लोग कश्मीर में जाने से डरेंगे, बिकॉज ये हादसा जो हुआ है, एक तरीके से कश्मीरी पंडित अभी तो नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो ये डर है कि वापस ना आने लग जाए, वापस छोड़ छोड़ के ना आने लग जाए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे रीडबल हो गया रिजॉल्व ऑफ कश्मीरी पंडित्स टू गो बैक, क्योंकि तो आपको लगता है कि जाए? बिल्कुल जाएंगे और वो एक खाका भी देंगे, वो एक प्लान भी दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास प्लान तैयार है, हम तो तो एक चाहते हैं गवर्नमेंट हमें इनवाइट करे, हम उनको एक प्लान भी दे सकते हैं। अब आप अच्छी बात कर रहे हैं, एक तरीके हाँ से प्लान होगा तो कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए होगा, लोग जब बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल, डेवलपमेंट। एक रोड मैप है हमारे पास। आपने हमारे से ये सारी बातें लीगली स्पीकिंग पर साझा की, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपसे फिर से हम जल्द बात करना चाहेंगे, बट आज आपने हमारे से ये सब शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।